हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा कुछ ऐसा सीन नहीं है कि मेरे पे कोई अभी कॉन्सेप्ट या फिर कुछ ऐसे प्रॉपर मतलब मैं शूट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ ये घर से लेकर शॉप तक का सफ़र रहेगा जो मैं अपनी बाइक से जाऊँगा। आई होप आपको पसंद आएगा। नॉर्मली वीडियो रहेगा राइड का, और कोशिश करूँगा मैं अपनी बाइक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ और आपस में बात करेंगे और इन्जॉय करेंगे। सो लेट्स गो। ये बाइक मैं बहुत यूज़ करता हूँ, मतलब डेली रूटीन का मेरा ये बाइक बहुत यूज़ होता है काफ़ी टाइम से, और मेरा बेस्ट बाइक है RX100। तो चलते हैं। सो ये बाइक मेरे को इतना पसंद इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ है, और मतलब मैंने सारे मॉडल्स यूज़ करे हैं और सारे रखे हैं, बट ये वाला जो मॉडल है ये मेरा बहुत फेवरेट मॉडल है। मतलब बहुत रॉ पावर फील होता है, बहुत ही स्मूथ फील होता है मेरे को और बहुत मज़ा आता है। सो मैं इससे ही ज़्यादातर ट्रिप पर भी जाता हूँ, बहुत सी चीज़ें करता हूँ और डेली यूज़ में भी ये करता हूँ। कुछ ही टाइम में मैं इसमें बहुत सारी चेंजेस करने वाला हूँ, लाइक इसमें अभी टिक सेट भी लगाना है मेरे को और कलर्स भी करना है, बहुत सी चीज़ें करने वाला हूँ जो मैं इस मंथ में कर दूँगा, और काफ़ी करता रहता हूँ मैं इसमें कुछ ना कुछ। तो अभी हाल फिलहाल में ये पूरा भी स्टॉक ही है और ये स्टैंडर्ड पिस्टन पे है, और देन इसमें RX-Z का सेटअप लगा हुआ है और मिरर है अल्फा टोयोटा और RX-G का लेग गार्ड है इसमें, और बहुत सी चीज़ें स्टॉक हैं। और इसके साथ के जो टैंक पैनल हैं वो भी रखे हुए हैं, ये मैंने कुछ टाइम से लगा रखे क्योंकि मुझे सिल्वर थोड़ा पसंद आ रहा था, बट अब मेरा मन भर चुका है तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट मारून करने वाला हूँ, जो इसका ऑफिशियल कलर है इस मॉडल का वो ही करने वाला हूँ। और काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी मज़ा आता है, मैं बोर नहीं होता हूँ कभी भी। मैं इसको 300-400 किलोमीटर ले जाता हूँ, कभी भी मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि लो फील, बेस्ट फील रहता है, लेजेंड फीलिंग आती है इसको लेकर। और बस यही है गाइस, मेरी शॉप ज़्यादा दूर नहीं है, मेरी शॉप घर से 4-5 किलोमीटर का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। और बस मैं यही कहूँगा कि कुछ भी करो आप अपनी लाइफ में, कुछ भी करो, मस्त रहो, खुश रहो, जितना हो सके चीज़ों से लड़ो, जितना लड़ोगे उतना आगे बढ़ते रहोगे, ये रूल है लाइफ का। और अगर आप रुक गए, स्टॉप हो गए, तो फिर पॉसिबल नहीं होएगा। और ऐसा मेरा कोई मन नहीं है मैं अपना ज्ञान फेर लो या फिर कुछ ऐसा कोई भी वजह नहीं है, ये मेरे खुद के थॉट्स है जो दिन में 4-5 बार आते रहते हैं, खुद को लेके पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती रहती है, बस यही। और बाकी नेक्स्ट वीडियो हम निंजा पे लेंगे क्योंकि बहुत टाइम से निंजा खड़ा हुआ है, मैंने यूज़ नहीं करा है, उसको भी स्टार्ट करना है, और उसका छोटा राइड नहीं बड़ा राइड लेंगे उसका। अभी हाल फिलहाल में उसको मैं स्टार्ट करके चल देंगे कहीं पे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे जब कुछ ना कुछ करना है तो।
और वो भी बहुत अच्छा बाइक है मेरे लिए, वो भी मेरा ही है, 2009 मॉडल है। तो वेट करते हैं, उसका भी शूट करते हैं, और भी जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा चीज़ें दिखाने की। और अगर आपको कुछ भी इशू लगता है या फिर कुछ आप चाहते हो कि मेरे को क्या करना चाहिए या फिर मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ या फिर आप मुझे जिस चीज़ में देखना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ पे आप कमेंट करो, जिस चीज़ पे बोलोगे तो कोशिश करूँगा मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ। क्योंकि कोशिश तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, पर मेरे को जो करना है वो अभी ये लाइव हो रहा है और कुछ नहीं, और ऑन द स्पॉट जो फीलिंग आती है वो बेस्ट फीलिंग होती है। और बाकी आपको बाइक मेरा बहुत पसंद आया होगा, जो जो RX लवर है उनके लिए तो लेजेंड है, और जो जो नहीं है तो उनको पसंद ऑटोमेटिक आ जाएगा। और मेरा शॉप लगभग पहुंच ही गया हूँ, और बस यही है गाइस कि आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत पे बिलीव करो, क्योंकि मेहनत सिर्फ एक रास्ता है और वही रास्ता है जो आगे लेके जाएगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप सोचते हो कि इधर टर्न ले लूँ उधर टर्न ले लूँ इससे कुछ हो जाएगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही रास्ता है जो आगे लेके जाता है, और कुछ नहीं, यहाँ और कुछ है ही नहीं, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा मेहनत के अलावा भी कुछ कर सकते हो। शॉर्टकट रास्ता अजमा सकते हो, बट वो एक लिमिट टाइम तक है, उसके बाद वो एंड। और गाइस यही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं निंजा के साथ, काफ़ी अच्छी राइड के साथ, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये वीडियो सिर्फ इतना था कि घर से लेकर शॉप तक का, और फाइनली मेरी शॉप आ चुकी है, प्लस को आप वॉल पे भी देख सकते हो, वहाँ पे भी दिख रहा रहेगा रॉकेट पॉकेट ये।